मेरे कई बच्चों की डिमांड रहती है कि सर मैथ्स में आप कुछ लाइव क्लास स्टार्ट करिए। तो हम लोग 30 मई से, कल से, एक लाइव बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसका टाइमिंग होगा 10 से 12। ये मॉर्निंग का टाइम होगा, इसमें क्लासेस चलेंगी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। इसमें आपको हम 2-2 घंटे क्लास ले रहे हैं। पहले हमारा प्लान था कि इसको हम 1 आवर रेगुलर करें, लेकिन उससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस का समय नहीं मिल पाएगा, तो हमने इसको ऑल्टरनेट कर दिया 2-2 आवर्स। इसमें आपका जो जो भी एसएससी के लिए मैथ्स का कंप्लीट कोर्स कवर होगा, शीट्स प्रोवाइड की जाएंगी। टोटल एसएससी में 17 चैप्टर होते हैं, और अब एग्जाम आपका 2 महीने बाद है, तो हमने इस तरह से इसको प्लान किया है इस बैच को कि 2 महीने में आपका पूरा कोर्स भी कवर हो जाए और आपको पढ़ने का मौका भी मिल जाए। इसी के साथ साथ आपको स्पीड टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे हम। स्पीड टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, 20 ऑनलाइन स्पीड टेस्ट होंगे, जिसको जिनका आपको कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। अब देखो, एग्जाम में हमारे पास टाइम कम है, तो आपको 20 ऑनलाइन स्पीड टेस्ट एक साथ मिल जाएंगे सारे, जो कि आप हर हफ्ते दो दो दोगे, तो उससे क्या होगा, आपकी जीएस, रीजनिंग और इंग्लिश की प्रैक्टिस जाएगी। मैथ्स में आपका पूरा रिकवर कर दूंगा, और वीडियो सोल्यूशन सबका मिलेगा, तो आपको डबल फायदा होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट उन बच्चों के लिए जो हमारा कभी साल 2 साल पहले तक हमारी डीवीडी कोर्स परचेज किया था, डीवीडी या पेन ड्राइव कोर्स परचेज किया था, और वो अब फिर से मैथ्स कोर्स करना चाह रहा है, तो उनके लिए ये बैच फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट होंगे डीवीडी या पेन ड्राइव वाले, उनको ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ऑनलाइन बैच होगा। इसमें आपको करना क्या है, रेडिक्स क्लास फॉर यू @gmail.com। इसमें आप जाकर अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर दें, एज आई एम योर ओल्ड स्टूडेंट, आपने जो ऑर्डर किया था उसकी पेमेंट स्लिप भेज दीजिएगा, तो आपको हम उस कोर्स में इनरोल कर लेंगे। इनरोल होने के बाद आपको क्या होगा कि आप जो भी क्लास, भाई 10 to 12 का बैच होगा, और आपने कोई क्लास मिस कर दी तो आप उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हो, इनरोल्ड स्टूडेंट ही उसमें देख सकते हैं। और जो बच्चे डेमो करना चाहते हैं, तो जो ये हमारी जो वीडियो है इसके नीचे जहाँ डिस्क्रिप्शन होता है, वहां पर 30 मई का लिंक मिलेगा आपको, उस लिंक पर क्लिक करके आप सीधे क्लास में एंटर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास जो होगी इसकी 31 मई को होगी, तो 31 मई का जो लिंक है, 30 मई को 12 के बाद 30 मई को शाम तक आपको 31 मई का क्लास लिंक वहां पर आ जाएगा, तो आप वहां पर डायरेक्ट क्लिक करके भी सीधे क्लास अटेंड कर सकते हैं। इससे आप डेमो कर सकते हैं, 2 दिन आप डेमो कर लो, उससे आप क्वालिटी ऑफ टीचिंग देख लो, नेटवर्किंग इश्यू देख लो, कैसी स्पीड आ रही है, कैसे, अगर आपको सब कुछ सही चलता तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। डीवीडी और पेन ड्राइव कोर्स वाले स्टूडेंट या जो पहले कभी लाइव क्लास अटेंड कर चुके हैं, उनके लिए भी ये बैच फ्री है। जो हमारे पहले स्टूडेंट रहे हो जिन्होंने लाइव क्लास लियो या पेन ड्राइव लियो, बस इंपॉर्टेंट ये कि उसमें मैथ्स का कोर्स इंक्लूड होना चाहिए, मतलब आपने मैथ्स जरूर लिया हो तब आपको वो फ्री मिलेगा, अदरवाइज आपको कुछ चार्ज देने होंगे। सो इंपॉर्टेंट ये हो गया कि अब एसएससी में मैथ्स अगर आपके अच्छे तो आपके लिए एग्जाम बहुत आसान है। जीएस रीजनिंग आप प्रैक्टिस से कर सकते हो, इंग्लिश भी प्रैक्टिस से आएगा। मैं केवल मैथ्स पे फोकस ज्यादा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैथ्स के बेसिस पर आपका स्पीड इंप्रूव होती है, और अगर आपकी स्पीड अच्छी होगी तो आप सिलेक्शन जल्दी पा लोगे, राइट। सो इस वीडियो में जो नीचे डिस्क्रिप्शन दिया यूट्यूब में, उस डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास का लिंक मिलेगा, उस क्लास लिंक से आप डेमो क्लास कर सकते हो। और इस वीडियो में आगे हम दिखाएंगे कैसे हम लाइव क्लास में किस तरह से कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। एक वीडियो में दे रहा हूं 10 से 15 मिनट की, कैसे हम क्वेश्चन को डील करते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन अप्रोच हम कैसे यूज करते हैं, और इसका मैं कैसे आपके डेमो क्लास और मेन क्लासेस में इसका यूज करूंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 31। 5 क्वांटिटीज ए बी सी डी ई आर इन सच दैट ए बाई बी इज इक्वल बी बाई सी इज इक्वल सी बाई डी इज इक्वल डी बाई ई, राइट। एंड एक और कंडीशन दी है, बी अपॉन ई इज इक्वल 64/125। जैसे आपको 64 दिखता है, क्या रिलेशन है 64 और 125 में, क्या कॉमन है, दे आर क्यूब, है ना, दे आर क्यूब ऑफ सम वैल्यूज। अच्छा, अगर मैं इसको के मान ले तो ध्यान समझना, दिस इज के मेथड। इफ वी एज्यूम दिस एज के, तो देखो होगा क्या, यहां से आएगा पहला ए इज इक्वल बी के, बी इज इक्वल सी के, सी इज इक्वल डी के, एंड डी इज इक्वल,
इफ वी पुट वैल्यू ऑफ डी एज ई के, तो ये कितना हो जाएगा ई के स्क्वायर, और यहां पर बी की जगह ई के क्यूब, क्लियर। अब मेरे पास बी की वैल्यू ई के क्यूब और ई तो ई है ही, तो दिस इज ई के क्यूब अपॉन ई इज इक्वल 64 अपॉन 125, ई कैंसिल, सो के इज 4/5, क्या पूछा है। देन फाइंड द वैल्यू ए बाई ई, फाइनली पुट द वैल्यू ऑफ बी इन दिस, दिस इज ई के 4, ये तो होगा भाई, बी की वैल्यू ई के क्यूब आ चुकी है और बी की जगह मैं रखूंगा ई के क्यूब इंटू के, तो ई के 4, तो दिस इज के 4, तो अपॉन में 625 होगा, ए की जगह दे रखा है और 4 का पावर 4 क्या होता है 256, आंसर इज बी ऑप्शन। ये के मेथड बहुत मजेदार होता है, जब भी ऐसा कंटिन्यूस प्रोपोर्शन होता है ये किया जाता है, देखो ए बाई बी, जहां बी एंड वहां बी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। दिस इज 31 क्वेश्चन, ओके क्वेश्चन नंबर 32, द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ थ्री क्लासेस इज 4:6:9, दीज क्लासेस इन दीज क्लासेस इफ 12 स्टूडेंट आर इंक्रीज इन ईच द रेशियो इन ईच, देखो सब में हमने 12 इंक्रीज किया, द रेशियो बिकम 7:9:12, नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस, इन ऑल द कंडीशन वैल्यू इज इंक्रीजिंग बाई रेशियो, वैल्यू इज इंक्रीजिंग बाई 3, राइट। अगर रेशियो का इंक्रीमेंट इक्वल है और वैल्यू जो बढ़ रही है वो भी इक्वल है, इट मीन्स 3 यूनिट्स इज इक्वल 12, सो 1 यूनिट इज इक्वल 4, आपको पूछा है। देन फाइंड द रेशियो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास बिफोर इंक्रीमेंट, नाउ बिफोर इंक्रीमेंट दिस इज 19 एंड 1 यूनिट इज इक्वल 4, आंसर इज 76, ठीक है। अगर इंक्रीमेंट सेम है तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो यार ए प्लस बी अपॉन रूट ए बी इज इक्वल 4:1, राइट। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ए बाई बी, मेंस का क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन है। आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन इज इक्वल 16। अगर आप सेपरेट करते हो, दिस इज a बाई बी, सेकेंड इज b बाई ए प्लस 1 इज इक्वल प्लस 2 इज इक्वल 16, राइट। ये तो होगा सेपरेट करने पर, नाउ a बाई बी प्लस b बाई ए इज इक्वल 14। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट a बाई बी, सो लेट्स से a बाई बी इज इक्वल x, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल 14। अगला स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 1 इज इक्वल 0, ये समझ में आया स्टेप। मैंने एक्स एलसीएम लिया होगा, एक्स इधर शिफ्ट किया होगा, 14x हुआ होगा, उसको इधर शिफ्ट किया। नाउ दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके फैक्टर निकलेंगे श्री ध्राचार्य से, 14 प्लस माइनस अंडर रूट। अच्छा, हम नेगलेक्ट करेंगे नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि कहीं भी प्लस माइनस नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में। अच्छा, 14 का स्क्वायर कितना होता है, माइनस 4, 4 ए बी एसी करोगे ना वो 1 है, अपॉन 2, तो दिस इज 7 प्लस, अच्छा 192 बनेगा ना, 192 मालूम है क्या होता है, 64 into 3, राइट। 64 से स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आएगा 8, तो डायरेक्ट लिखो दिस स्टेप इज 8√3 और नीचे 2 है तो ये बचेगा 4√3, तो आंसर हो गया 7+4√3/1, सी ऑप्शन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें कई स्टेप थे, एलजेब्रा का पूरा यूज था रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर। अब एक दूसरा मेथड और देखते हैं इसका, अगर हमारे पास a प्लस बी अपॉन रूट ए बी के साथ इज इक्वल, अगर मैं 2 इधर ले आता हूं और इसको 2/1 करता हूं, अब मैं लगा रहा हूं सीएनडी, ठीक है, दिस इज ए प्लस बी प्लस 2√ab और नीचे हो जाएगा ए प्लस बी माइनस 2√ab इज इक्वल 2+1/2-1, याद है रूल ये। अच्छा, ऊपर हो गया √a+√b का होल स्क्वायर, क्यों, और इधर हो गया √a-√b का होल स्क्वायर, दिस इज 3/1। अब मैं अगर अंडर रूट करता दोनों तरफ, नीचे भी स्क्वायर होगा, दिस इज √a+√b अपॉन √a-√b इज इक्वल √3। अब फिर लगा दो सी एन डी, है ना, दिस इज
अब रूट ए बाई रूट बी ये तो होगा, और इधर हो जाएगा रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन, स्क्वायर कर दो, बल्कि कॉन्जुगेट से करने के बाद स्क्वायर करो जिससे आपका आंसर मैच कर जाए। तो पहले इसका कॉन्जुगेट कर दो बगल वाले का, थ्री प्लस वन प्लस टू रूट थ्री अपॉन टू, ये हो जाएगा टू प्लस रूट थ्री और रूट ए प्लस बाई रूट बी, स्क्वायर करो ए बाई बी आ गया सेवन प्लस फोर रूट थ्री, तब भी हमारा आंसर क्या आ गया बी ऑप्शन। दोनों मेथड बराबर लेंथ गई। नाउ अमित एंड वीरीज एनुअल इनकम इज इन द, देखो कैसे एनुअल इनकम वाले क्वेश्चन ओरल किए जाते हैं। अमित एंड वीरीज एनुअल इनकम इज इन द रेशियो 3:2 व्हाइल देयर एक्सपेंडिचर इज इन द रेशियो 5:3। इफ ईच ऑफ देम सेव्स रुपीज 1000 एट द एंड ऑफ द ईयर, बहुत आसान क्वेश्चन है, दोनों की सेविंग इक्वल है, तो देखो वही लॉजिक हो गया, 3:2 इनकम का रेशियो एंड 5:3, अच्छा नहीं रिवर्स क्वेश्चन हो जाएगा, इनका सेविंग है 1000, ये हो गया इनकी इनकम और दिस इज एक्सपेंडिचर, दिस इज फॉर ए एंड दिस इज फॉर अमित एंड वीरी, दो लोग थे। अच्छा यहां पर इनकम इनकी जो सेविंग है वो सेम है, तो देखो क्या इनका डिफरेंस सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हाँ नहीं वो अलग बात है। अब हमें करना क्या है, अब हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो अमित की वार्षिक आय पूछी हुई है, आंसर इज मल्टीपल ऑफ थ्री, दो ऑप्शन है 9,000, 6,000, अच्छा लग रहा है मुझे 6,000, तो मैं 6,000 से स्टार्ट करता हूं। इफ दिस इज 6,000 व्हाट वी शुड मल्टीप्लाई इन थ्री टू गेट 6,200, तो 2000 यहां गुणा करना, 200 यहां गुणा करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा ये 4,000, इसकी इनकम 4,000, इसकी इनकम 6,000, 6,000 में से ही सेव्स 1,000, बचा कितना 5,000, और 4,000 में सेव करता 1,000, बचा कितना 3,000, देयर रेशियो इज 5:3, यस अवर अजम्पशन इज करेक्ट, आंसर इज डी ऑप्शन। राम गेट्स 2 times मार्क इन इंग्लिश एज ही गेट्स इन साइंस, देखो इंग्लिश के मार्क्स साइंस का डबल है, ठीक है, हिज इंग्लिश साइंस एंड मैथ्स टोटल मार्क्स वॉज, देखो इंग्लिश साइंस एंड मैथ्स 180, इफ इज इंग्लिश एंड मैथ्स मार्क्स आर इन द रेशियो 2:3, इंग्लिश और मैथ्स के मार्क्स रेशियो 2:3 है एंड इंग्लिश के मार्क्स 2 साइंस है, है ना, अगर मैं यहां पर इसको 2 साइंस कर दूं प्लस साइंस और मैथ्स के मार्क्स, देखो साइंस इंग्लिश और मैथ्स का जो रेशियो है वो 2:3 है, तो मैथ्स के मार्क्स कितने हो गए 2:3 इंग्लिश बाई 2 और इंग्लिश के 2s हैं, तो 3 ऑफ साइंस, अरे समझा इतना है 180, इसे साइंस के मार्क्स आ गए, साइंस के मार्क्स कितने हो गए 30, तो इंग्लिश के मार्क्स कितने हो गए 60 और मैथ्स के मार्क्स हो गए 90, क्या पूछा है, अरे तो पहले ही क्वेश्चन हो गया था 30 साइंस के मार्क्स। If A and B and C marks makes X Y Z runs respectively and X, देखो यार X upon Y is equal Y upon Z is equal 3:2. अच्छा टोटल सम कितना है इनका 3:42, दिस इज X प्लस Y प्लस Z। अच्छा बहुत आसान सा लॉजिक है, हम क्या करेंगे ऐसे वैल्यूज ढूंढेंगे, इसको करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन से करेंगे सीधे, क्या इन दोनों में 3:2 का रेशियो आ रहा है, यस 48:3 जा 48:2 जा, अच्छा 96 और 64 में रेशियो आ रहा है, यस आ रहा है, ये 32:3 जा 32:2 जा आ रहा है, ये पॉसिबल है, हाँ फिर उसका एडिशन देखेंगे, क्या ये सम हमको 3:42 दे रहा नहीं दे रहा है ना, अच्छा पहले तो एडिशन देख लो, आखिरी में 2 आना चाहिए, ये 2 दे रहा है, इसके आखिरी में 0 आएगा, नहीं हो सकता, इसके आखिरी में कितना आएगा, नहीं हो सकता, आंसर इज ओनली बी, ठीक है, कई तरीके हो सकते हैं, सम भी दे रखा है, रेशियो भी 3:2, तो उसको मैनेज कर सकते हो आप उस तरह से, करने की जरूरत नहीं इस क्वेश्चन को, मेंस 2013 क्वेश्चन है, रेशियो के क्वेश्चन ज्यादातर ओरल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला ना x:y का रेशियो 3:2 है और y:z का रेशियो भी 3:2 है और सबका सम कितना 3:42, इसका मतलब इनके जिसके आखिरी में 2 आएगा वो हमारा आंसर होना चाहिए, केवल एक बी ऑप्शन के आखिरी डिजिट 2 है, इसलिए आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ठीक है, इफ रुपीज 126.5 आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू एबीसी इन द रेशियो 2:5:4, बहुत बढ़िया लॉजिकल क्वेश्चन है, देन हाउ मच पार्ट ऑफ बी इज मोर देन पार्ट ऑफ ए, बी का पार्ट ए से कितना मोर है रेशियो में, 3 यूनिट, आंसर वुड बी मल्टीपल ऑफ 3, देख ये आंसर हो सकता है नहीं, 3 का मल्टी ये हो सकता है नहीं, क्या ये हो सकता है, हो सकता है, यस हो सकता है, और ये नहीं हो सकता, आंसर इसी, पहले हमें देखेंगे कौन सा मल्टीपल हो सकता है उसके बाद कुछ और चेक करेंगे, वॉइस आ रही है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ, हाँ बहुत मजेदार क्वेश्चन है, कैसे इसको हम ओरल करते हैं, अब ये चीजें जो आप मेरे से सीखोगे, बाकी देखो 2012 का क्वेश्चन है, कैसे करते हैं इसको, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 311,250, द रेशियो बिटवीन वुमेन एंड मैन इज 43:40, इफ देर आर 24% लिटरेट अमंग मैन एंड 8% लिटरेट अमंग वुमेन, देन द टोटल नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन इन द टाउन, क्वेश्चन इम्पॉसिबल है क्या, नहीं, जल्दी करना बड़ी बात है, ये क्वेश्चन हम कैसे 5 सेकंड में करेंगे या 2 सेकंड में कैसे करेंगे, वैसे आपको नॉर्मली इसमें 1 मिनट लगने वाला है, आप लोग क्या करते, आप लोग ये करते, देखो वुमेन, अब एक और इंपॉर्टेंट बात, वुमेन पहले दी है, जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ा करो, जब भी रेशियो की बात हो तो ये क्लियर कर लिया करो कि कौन पहले है, आपसे शायद 90% लोगों से पहले गलती हुई होगी, मैन पहला ले लिया होगा, जिसने भी घर पर ट्राई किया होगा मैन पहले ले लिया होगा, लेकिन यहां वुमेन पहले दी है, तो देखो वुमेन हो गई 40, देखो लॉजिकल आप करते कैसे इसको, यू विल स्टार्ट लाइक दिस, 43/ सम कितना है 83, भाई ऐसे करते ना, वुमेन निकालते इनटू हाउ मच 311,250, ये टोटल नंबर्स थे ना आपका, इसमें से वुमेन में कितना लिटरेट है 8%, 8/100 प्लस मैन में 40/83 इंटू 311,250 इंटू 24/100 राइट, ये दिस इज व्हाट अवर आंसर, ठीक है, अब एग्जाम में अगर आप ऐसे कर लेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, सबसे बड़ी बात इस क्वेश्चन में क्या है, जो मेल और फीमेल है वो जस्ट बराबर से हैं, 43-40 मतलब आधे आधे हैं, समझे बात, हम इसको लॉजिकली सॉल्व करना चाहेंगे कि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो हमारा, अगर मेल और फीमेल आधे आधे हैं और मेल का लिटरेसी रेट 24% है, फीमेल का 8% है, ठीक है, इसका मतलब इनका मिडिल वैल्यू क्या होगी, 8 और 24 का मिडिल वैल्यू 16 होगी, तो आंसर 16% के आसपास आएगा, कंफर्म बात है ये, समझे मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, और मैंने क्या किया है, और सुनो एक और बात, 43% फीमेल है और 40% मेल है, अगर ये बराबर बराबर होते, माना 41-41 होते तो जस्ट मिडिल में आता, 8% 24 के मिडिल में आएगा, आप करके देख लेना, अगर किसी कंडीशन में वैल्यू आसान दे रखी है, एक 40-40 मतलब मिडिल हाफ ऑफ वैल्यू है, एक 24% है, एक 8% है, तो मिडिल में वैल्यू आती 16%, क्योंकि फीमेल ज्यादा है, ध्यान देना स्टेप को, ये मेरा एलिगेशन टॉपिक बताऊंगा, ये बात है, वहां मैं ओरल करता हूं, एलिगेशन समझ जाओगे सब कुछ आसान है, रेशियो से बहुत चीजें चलती है, 43-40 अगर ये 40-40 होता तो एग्जैक्ट मिडिल में वैल्यू आती 16%, लेकिन 43 फीमेल ज्यादा है, और फीमेल ज्यादा है मतलब 16% से बैक होगा, मतलब 16 थोड़ा कम होगा आंसर, अरे बात समझे मैंने क्या बोला, आंसर जो भी होगा 16% से कम होगा, इसका मतलब 311,250 का 16% निकालूंगा और उसको थोड़ा कम देखना है बस ऑप्शन में, अच्छा दूसरी बात, 3,00,000 का 16%, अच्छा किसी नंबर का 10% क्या होता है, उसके आखिरी में एक डेसिमल लगा दो या एक जीरो हटा दो, तो इसका 10% होगा 3,31,31,125, बोलो 10% ऑफ दिस इज 31,125, अच्छा 5% कितना होगा इसका, आधा 15,500, तो 31 + 15,500 कितना होगा 46, और अब 1% और 3,000 और 48 के आसपास आंसर होगा, बी ऑप्शन आंसर तो ये हो गया कंफर्म, अब मैं आपको बता रहा हूं कि मैं और भी शॉर्टकट हो सकते थे, ये तरीका हो गया एक, इसका आंसर बी होगा, ठीक है, दोबारा बताओ मैंने क्यों किया ऐसा, एक तो मैंने एक बात, अगर यहां पर ऐसा होता ना, अगर ये रेशियो होता, अगर ये होता 30:63 तब भी मैं इसको शॉर्टकट से कर सकता था, ये एलिगेशन शॉर्टकट होता है, 30:63 का मतलब
फीमेल का एक भाग है, गर्ल्स बॉय का दो भाग है, ये तो मतलब हुआ 30-63 भूल जाओ, 30-60 मतलब 1:2 का रेशियो है। और ये जो 24 और 8 होता है, ये सोच है, ये आती नहीं है एक बार में, कोई डरने की जरूरत नहीं है। देखो मैं बताना चाह रहा हूं, शायद तुम लोग समझ सको। मैं ऐसे करता हूं हर बार, जुगाड़ होता ही है। देखो एक बात समझना, मान लेते हैं एक रेशियो 8% है फीमेल का, जान दो यार ये बात नहीं, किताबों में नहीं मिलेगी बात, और ये 50-50% पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब 1:1 का रेशियो है, तो ये दोनों बीच जस्ट मिडिल में होंगे 16%। लेकिन अगर ये होता, मान लेते 30-60 होता, वहां पे 63 होता मान लेते हैं, 40-43 की 30-60, तो इसको हम कहते हैं 1:2, मतलब कि जो मिडिल वैल्यू होगी वो इससे दो भाग आगे होगी, इससे एक भाग पीछे होगी, रिवर्स होता है। अगर ये रेशियो 1:2, इधर से 1 पार्ट आएगा, इधर से 2 पार्ट आएगा, अब ये पार्ट कैसे निकलेंगे, तो 24 और 8 का डिफरेंस है 16, 16 के 3 पार्ट करने पड़ेंगे आपको, 5 समथिंग, 10 भाग आगे और इधर 5 भाग पीछे, 18.5 के आसपास मिडिल वैल्यू होगी। ये मैं एलिगेशन समझाऊंगा, ठीक है, अभी नहीं समझ में आएगी बात, कोई बात नहीं आगे चलते हैं। कोई बात धीरे समझ में आएगी बात है। अच्छा अब मैं इसको, अगर आपको लगता है यार ये कैसे आ गया, तो एक तरीका समझो, अगर सुनो, हाँ अगर ये 40 उल्टा होता, मतलब मेल और फीमेल का आपको दिया है 40:43, अगर ये उल्टा होता 43:40, तो मेल की तरफ ज्यादा होता, 24 की तरफ शिफ्ट होता, मतलब 16 से ज्यादा होता। अच्छा सुनो, छोड़ो सब कुछ, एक बहुत आसान तरीका, 311-250 कॉमन आएगा अपॉन 83, दोनों में कॉमन है, 43+8 / अच्छा 100 भी कॉमन आ सकता है, दोनों में 100 तो है ना, हाँ 8 भी कॉमन आ जाएगा। अच्छा यहां बचेगा 43+40 × 3, ये तो बचेगा, ये कितना हो जाएगा 120 और 40 163। हम यहीं से आंसर मैच करा देंगे, ध्यान देना इस चीज को, 8 × मतलब पूरी कैलकुलेशन नहीं करी जाती, कुछ कॉमन वॉमन लेके, मतलब आपको अगर 100% श्योर होना है कि हाँ हमारा आंसर गलत ना निकले एग्जाम में, हाँ नहीं सॉरी, हाँ 8 कॉमन ले रहे, 1 तभी तो है, 4 × 3 = 120 और 40 43, हाँ कॉमन लेना 8 मैंने ये। अच्छा अब यहां पर आया 163, और एक बात बहुत ढंग से समझना, अगर 311,250 है तो 83 जो इनका सम है वो उन नंबर को कैंसिल करेगा करेगा, अदरवाइज तो क्वेश्चन हो नहीं सकता ना, फ्रैक्शन में थोड़ी मैन होंगे, इसका मतलब 83 तो इसको काटेगा काटेगा और ये बचे 0, इसका मतलब आंसर 163 का मल्टीपल होगा। बोलो क्या ये 163 का मल्टीपल है, 3 times आंसर, अरे समझे, मतलब कहीं ना कहीं, और जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना कहीं शॉर्टकट जरूर होता है, सबसे आसान यही तरीके होते हैं जब आप ऑप्शन से वैल्यू को सेलेक्ट करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन,